नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रमसिंह। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का एक फैसला आपको सुकून दे सकता है। फैसले का ऐलान उन्होंने कर दिया है और कुछ ऐलान की बड़ी बातें मैं बताऊं, इससे पहले स्पष्ट कर दूं कि केंद्र के स्तर पर जो समान नागरिक संहिता एक बिल के रूप में लाया करके उसका कानून बनाने की बात की जो प्रक्रिया शुरू होने वाली है, उसके पहले उत्तराखंड सरकार यूसीसी बिल पर जो काम कर रही है, और अब हेमंत बिस्व शर्मा का एक ऐलान इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि इस देश में समान नागरिक संहिता अर्थात यूसीसी का वजूद में आना तय है। हेमंता ने जो निर्णय लिया है और जो ऐलान किया है, उसका मतलब ये है कि अब असम में एक से अधिक शादी नहीं की जा सकती, और अगर कोई ऐसा करता है तो जो कानून लाया जाने वाला है उसके तहत उसे दंड दिया जाएगा। इसका असर मुस्लिम महिलाओं पर बहुत ही सकारात्मक होगा और उनके हित इससे सधेंगे। ये मुख्यमंत्री हेमंता के बयान के मायने निकाले जा सकते हैं। इस मामले में हेमंत बिस्व शर्मा ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। सीएम शर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि लोगों से अनुरोध है कि वह असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्तावित कानून पर हमें अपना सुझाव दें। अर्थात अब सरकार ने लोगों से सुझाव मांगा है, क्योंकि सरकार को ये पता है कि इसका कट्टरपंथी विरोध करेंगे, और विरोध से पहले राज्य के लोगों से ये सुझाव मांगा गया है। अर्थात अगर ये कोई कानून लाया जाएगा तो डेमोक्रेटिक तरीके से उस पर पूरा विमर्श होगा, लोगों से सुझाव मांगा जाएगा और तब फैसला लिया जाएगा। हालांकि फैसले की घोषणा अगर की गई है तो उसके पहले क्या क्या काम किया गया है ये भी जानकारी देना जरूरी है। हम आपको बता दें कि हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि गृह एवं राजनीतिक विभाग के प्रधान सचिव ने एक नोटिस भी जारी कर दी है और 30 अगस्त तक जनता ईमेल या डाक के जरिए सुझाव दे सकती है। और नोटिस में कहा गया है कि राज्य सरकार ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्तावित कानून के लिए एक विशिष्ट और विशेष समिति का गठन किया था और उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट में बताया गया कि राज्य विधायिका वैवाहिक प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने के लिए सक्षम है। सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि विवाह समवर्ती सूची में आता है, जिससे केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून पारित कर सकते हैं। नोटिस में आगे कहा गया है कि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा प्राप्त करने के लिए धार्मिक प्रथाएं आवश्यक और धर्म का अभिन्न अंग होनी चाहिए। इस्लाम के संबंध में अदालतों ने माना है कि एक से अधिक पत्नियां रखना धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। नोटिस में जो कहा गया है वो भी हम आपको बता दें, पत्नियों की संख्या सीमित करने वाला कानून धर्म का पालन करने का अधिकार जो दिया गया है उसमें हस्तक्षेप नहीं करता और यह सामाजिक कल्याण और सुधार के दायरे में आता है। इसलिए एक विवाह का समर्थन करने वाले कानून अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं करते। इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए असम राज्य के पास बहुविवाह को समाप्त करने के लिए राज्य विधानमंडल बनाने की विधायी क्षमता होगी। और इस तरीके से ये स्पष्ट है कि जो रिपोर्ट 6 अगस्त को समिति ने सौंप दी है उस रिपोर्ट पर आगे कार्रवाई होना तय है। 30 अगस्त तक सुझाव मांगे गए हैं और इसके बाद इसके संदर्भ में कानून वजूद में आएगा और असम में जो नया कानून आ रहा है, जिसका बिल भी पेश किया जाएगा, वो इतना तय है कि बहुविवाह अर्थात एक से अधिक पत्नी अब कोई रख नहीं सकता, और अगर उसका मामला अदालत में जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कट्टरपंथी इसका विरोध कर सकते हैं, क्योंकि वो ये कहेंगे कि उनके अपने कानून और अपने प्रथा और रीति रिवाजों पर एक बड़ा हमला हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार ने किया है। लेकिन सरकार ने इसका जवाब भी दिया है कि किसी के धार्मिक
मान्यताओं पर कोई कुठाराघात नहीं किया है, क्योंकि राज्य सरकार मानती है कि इससे महिला कल्याण का मामला जुड़ा हुआ है और महिलाओं के हितों में हेमंत विश्व शर्मा सरकार कोई भी फैसला लेगी, ये मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि समवर्ती सूची में ये मामला आता है, इसलिए राज्य भी कानून बना सकता है और राज्य ये महसूस कर रहा है कि असम में बहुविवाह पर रोक लगाने के लिए कानून लाया जाए, क्योंकि इस कानून के माध्यम से ही महिलाओं के हित सज सकते हैं और विशेष करके मुस्लिम महिलाओं को इससे विशेष फायदा होगा, क्योंकि इस तरीके से बहुविवाह को आगे बढ़ा करके महिलाओं के गौरव और उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ होता है, जो असम सरकार महसूस करती है कि इसे बदला जाना चाहिए, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। अब हेमंत विश्व शर्मा के इस निर्णय का कट्टरपंथी सहित प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या विरोध का स्वर ज़्यादा तीखा और तल्ख किया जाएगा, ये भी देखना होगा। लेकिन एक के बाद एक कई ऐसे फैसले हेमंता की तरफ से की गई हैं, उससे लगता है कि अब असम सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। हालांकि राजनीतिक चश्मे से जब इस पर प्रतिक्रिया दी जाएगी राजनीतिक दलों की तरफ से, तो वो कहेगी कि 2024 को ध्यान में रखकर हिंदू वोटरों को खुश करने के लिए ये कानून लाया जा रहा है, लेकिन हेमंता विश्व शर्मा सरकार ने इस संबंध में सफाई दे दी है और सरकार पूरी तरह से आश्वस्त है कि इसका विरोध नहीं होगा, क्योंकि इसके संदर्भ में राय मांगी गई है और राय के हिसाब से जो विशेष समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है उसका आकलन करके इसके संबंध में कानून पारित किया जाएगा, कानून लाया जाएगा, और वो कानून वजूद में आ जाने के बाद असम में बहुविवाह अर्थात एक से अधिक शादी करने की प्रथा पर रोक लगेगी और इससे महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा और असम महिलाओं के सम्मान के प्रति पूरी तरह से समर्पित है हेमंत विश्वा शर्मा की सरकार। असम में ये चाहेगी कि इस कानून के माध्यम से महिलाओं के अधिकार पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाएं। फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने ऐलान करके अब साफ कर दिया है कि वो कड़े फैसले लेने से नहीं हिचकेंगे और तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म करने और उस पर लगाम कसने के लिए जो भी फैसला जब भी जरूरत होगी लेने से पीछे नहीं हटेंगे। इस खबर और इसके विश्लेषण से आप कहां तक सहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर भेजें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। VK News, राष्ट्र के नाम।